निकाह आसान करो मुहिम के तहत आज पाथरडी की ईदगाह मोहल्ला स्थित गौसिया मस्जिद ईदगाह में आज झरिया के 25 पंचायत के लोगों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौजूम वारसी ने किया और संचालन मौलाना इसरार साहब ने किया, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि किसी भी शादी में डीजे बाजा नाच और पटाखा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है और कहा कि यह सब फिजूल खर्ची है, इसे हमारे समाज में जायज नहीं माना जाता है और कहा कि इस तरह से कोई भी व्यक्ति शादी में खर्च करेगा तो उसकी शादी में कोई भी मौलाना निकाह नहीं पढ़ेगा। इन सभी चीजों पर हमारे समाज की ओर से पूर्ण रूप से प्रतिबंध रखा गया है, इस शक्ति से लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में झरिया के विभिन्न जगहों से और मस्जिद के सदर सेक्रेटरी मौजूद थे, सभी ने इस नील को सराहा और कहा कि बहुत अच्छी पहल है, इससे समाज में सुधार आएगा और फिजूल खर्ची से लोग बचेंगे। ऐसा फैसला है जो मतलब मुस्लिमों के लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है और इस फैसले में जो है काफी गौर व फिक्र करके ये निर्णय लिया गया कि ऐसा कानून होना चाहिए कि जिससे जो है गरीब लोग भी जो है बआसानी शादी कर सके। लोगों को जो है बोझ हो जाता है, उनके घर की बच्चियां जो है बड़ी बड़ी जवान होती है, जवान होते होते बूढ़ी हो जाती है घर में, लेकिन एक जहेज को लेकर के दूसरे जो है एक शादी इतनी महंगी आज के जमाने में हो गई कि लोग जो है अगर लोगों को खाना ना खिलाया जाए, लोगों को जो है अच्छे इंतजाम ना दिए जाए तो उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है गरीबों को, और जो है अपने जो है अच्छे से नहीं कर पाते। ये हदीस पाक भी है कि नबी पाक अलैहि सलाम का कौल है कि निकाह बरकत वाला वही होता है जिसमें कम खर्चा हो, ठीक है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दसा में इरशाद फरमाया कि और फजूल खर्ची मत करो, बेशक फजूल खर्ची करने वाला जो है शैतान का भाई है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है मद्देनजर रखते हुए और देखते हुए और आवाम का जो है हाल देखते हुए, ये आज जो है हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने और तमाम उलमाए इकराम की मौजूदगी में और काफ़ी लोग जो है किसी तादाद में हाजिर थे, और ये आज फैसला लिया गया कि शादियों में जो है जो ज़ाय खर्चे होते हैं, फजूल खर्ची जो होती है वो ख़त्म कर दिया जाए और एकदम मुकम्मल जो है निकाह को आसान बनाया जाए ताकि गरीब से गरीब लोग भी जो है आसानी से अपनी बच्चियों को जो है शादी कर सकें। मैं मोहम्मद गुलाम मोइन मंजरी कादरी, मैं पाथरडी का इमाम हूँ। मेरा घर हुआ राजधनबार बड़थम्बा जिला गिरिडीह झारखंड। जो आज का कार्यक्रम है वो निकाह आसान करो कार्यक्रम था, जिसमें हमारे मुख्य चीफ समझ लीजिए हमारे मरकजी इदारे के मुफ्ती अनवारुल कादरी साहब मौजूद थे और उनके सरपरस्ती में हम लोगों ने ये बैठक को अंजाम दिया, जिसमें एतराफ के लोग सदर सेक्रेटरी हजरात, चाहे वो बरारी के हों, डिगवाडी के हों या फिर भागा के हों, रसूलबाग के हों, झरिया के हों, रमजानपुर के हों, सारे लोग तकरीबन किन किन का नाम लूं मैं आपको, तकरीबन 25 पंचायत शामिल थे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ये 25 पंचायत ने एक हम लोग मशवरे के साथ फैसला लिए हैं कि शादियों में, बराती में, जो भी बाराती जाना या बाराती आना, हमारे जो 25 पंचायत है इसमें तकरीबन 25 पंचायत जो आज शामिल हुए थे, उस पे किसी तरह के भी डीजे गाना बाजा नाच गाना आतिशबाजी से मुराद पटाखा, अगर ये सारी चीजें कोई भी करता है तो हमारे इमाम या कोई भी काजी उस इलाके के निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और ये हमारे मरकजी इदारे के मुफ्ती अनवारुल कादरी साहब के थ्रू हम लोगों ने सरपरस्ती पे किया, और बिल्कुल हम सारे लोग ये समाज में फैली हुई बुराइयों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए इस मौके पर हम लोगों ने ये बैठ करके ये फैसला लिया। बाकी हमारे ये नौजवान एकता फाउंडेशन के जरिए के भाई है और हमारे आप इधर देख सकते हैं रसूल बाग के सदर साहब हैं, हमारे यहाँ रमजानपुर के बड़े भाई हैं, कोऑपरेटिव कॉलोनी के भी बड़े भाई हैं, तो सब लोग यहाँ पे आए, सभी का खास मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया। और आप परेश लोग भी यहाँ पे आए, परेश बंधु जैसे आप लोगों ने मौजूद हुआ यहाँ पे किया, आप लोगों को भी दिलों से शुक्रिया। और हम लोग चाहते हैं कि आज से 14 जनवरी 2024 से किन्हीं की भी शादी में, हमारे इलाके में शादी में डीजे गाना बाजा आतिशबाजी पटाखा पे पूरी तरह से पाबंदी लगाया है, और इसमें हमारे पूरी कमेटी 25 जितने भी तकरीबन है सभी लोगों ने अपनी सहमति दिखाई। मेरा नाम मोहम्मद मुअज्जम वारशी है, मैं पाथरडी ईदगाह मोहल्ला का मौजूदा सदर हूँ।
आयोजक भी आप जी आयोजक भी मैं नहीं, मेरे पूरी टीम थी अहले सुन्नत वल जमात की मिट्टी पाथर डी ईदगाह मोहल्ला।